वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत दूर जगह पे आए हैं, अपने घर से बहुत दूर आए हैं और यहाँ पे दूर दूर तक हमें कोई भी नहीं जानता। जलील भाई हैं यहाँ पे और मुजम्मिल भाई हैं, दोनों हाथ हिला दो। तो भाई ये हम लोग आए हुए शाह फैसल और कुरंगी के बीच में जो पुल बना हुआ है, और ये हम और इस वक्त जिस जगह पर हम लोग हैं वो है मलिर एक्सप्रेस वे रोड, सही है। वो नीचे सारी क्रेनें वगैरह सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये पिलर्स हैं जो जो शाह फैसल से कुरंगी की साइड पर आते हैं और जो कुरंगी से शाह फैसल की साइड पे जाता है, तो वो उस उन लोगों ने ये सब कुछ देखी होगी कंस्ट्रक्शन। तो ये आप देख रहे हैं और अभी हम लोग घर से बिल्कुल बहुत बहुत दूर है। और आपकी सोच है कि हम लोग घर से इस वक्त कितनी दूर है, वो भी हम लोग पैदल आए। हमारे पास अभी H2R भी नहीं है क्योंकि H2R जलील के बाबा लेकर गए हैं। मुजम्मिल पानी पी रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। तो अभी हम लोग आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग उस जगह से वहाँ से इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ पे कोई अंकल थे यहाँ के चौकीदार थे, तो उन्होंने हमें मना कर दिया, लेकिन हमने आपके खातिर हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली है और आप बाकी यहाँ का व्यू चेक करो। ये सारा नाला वगैरह नाले का पानी है ना, ये साइड आगे जाएंगे। नहीं बुराई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा मैं भी एक बहुत बड़ी बुराई हूँ। और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा रोड आपको विजिट करवाएंगे। किसी बड़े के साथ आएंगे तो हमें जा सकते हैं, बड़े के साथ सही है। तो ये बच्चे कोई चोरी भी करते हैं। अभी हम लोग अब रोड के करीब पहुंचे, आगे जाना अलाउ नहीं है, इससे आगे जाने का अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी गए थे। हम लोग गए फिर भी, हाँ। आपकी खाते अब लाइक सब्सक्राइब तो बनते है। देखो भाई हम लोग आप बड़ी मेहनत करके और घर वालों से छुप छुप के, घर वालों से हम लोग छुप छुप के यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर मोबाइल लाने की भी इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन हम लोग फिर भी वो बैग के अंदर छुपा के लिया। हम लोगों ने खाना बनाना पड़ता है, हाँ। अभी हम लोग रोड के करीब पहुँचे हैं, इधर बस अभी छोटी सी जगह पर रोड डला है और ये मुजम्मिल भाई आ रहे हैं। अबे आ भी जाओ यार। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी भगाते हैं बड़ी स्पीड में, लोग यहाँ पे इतनी स्पीड में रेसिंग हो रही होती है, तभी भी वो रेसिंग हो रही है जो टक के पीछे जो गाड़ी बाइकें आ रही हैं और वो पूरी गाड़ी। तो गाय अभी चलते चलते बड़ा टाइम हो रहा है और ये बड़ी स्पीड में कोई लैंड क्रूजर आ रही है। ये लैंड क्रूजर की बड़ी स्पीड है, हाँ। कार अपने पास भी लैंड क्रूजर जाएंगे अब, और एक वो भी आ रही है, एक दूसरी भी आ रही है, ये दूसरी लैंड क्रूजर आ रही है हमारे साथ वो पीछे पीछे। तो ये मतलब शायद कह रहा हूं कोई होगा बड़ा बंदा। ये आप देख रहे हैं असल में ना ये रोड बड़ा खाली सा और प्लेन है, फुल प्लेन है, इसमें कोई जंप वगैरह कुछ भी नहीं है। ये हमारी 4x4। अच्छा तो ये मैं आपको बता रहा था कि इस रोड पे कोई जंप वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए जो रेसर हैं वो सारे यहाँ पे। अभी देखिएगा अभी दो बाइकों की रेस हो गई, ये अजीम पूरा की साइड है पूरी, हाँ। और गाय अभी बारिश भी अगर हो गई फिर तो हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए फंस गए क्योंकि अजीम पूरा यहाँ से करीब है और जिस इलाके के हम लोग हैं वो यहाँ से बहुत 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 दूर है। साइड में आ जाओ, हाँ लो। सो अच्छा तो गाइस ये जो यहाँ पे जो मट्टी वगैरह डलती है तो उसके लिए ये ट्रक आ रहा है यहाँ पे, ये चेक करो। और ये पूरा रोड पे डस्ट ही डस्ट है गाइस, वो सामने की आप रेस चेक करो, सामने साइड आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ। ये बंदे फुल 125 और ये भी 125 से मजा। और ये देखो ये भाई 70 वाले, लेकिन फिर भी वाले फिर भी हम भी 70 वाले, लेकिन हार कभी नहीं मानने की, सही है। तो अभी वो नीचे और एक और स्पीड आप एक बार कैमरे से दिखा दें। अच्छा तो गाइस अभी देखें वहाँ पे उस साइड पे क्रिकेट भी चल रहा है और ये रेसिंग स्टार्टेड है। अभी यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो है ना
आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अजीमपुरा में कभी कभार लाइट नहीं होती है, तो सब लोग अपने अपने खाने का सामान, हाँ हम, और हमारे यहाँ भी लाइट नहीं थी तो अभी हम, हाँ ये तो यहाँ पे हवा बड़ी चल रही होती है ना, तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। गाइस यहाँ पे सांप भी हमारे को दिखा था, हाँ एंडाकोंडा, अब एंडाकोंडा नहीं। सो गाइस अभी अभी हमने एक सांप देखा और हमने वो सांप, अरे भाई वो पत्थर इसलिए रखा हुआ है ताकि वो कोई, वो जो बीच में नहीं बनता रोड के बीच में जो बनता है यार डबल साइड, वो समझ लो वो आने वाला ये जाने वाले से उसके बीच में ये भाई। तो ये ओ गाइस आप चेक कर रहे हैं तो ये दूसरा है, पता नहीं चला। हाँ। और तो ये चेक करें आप जिसने हम बनाते बनाते घर से बहुत ज्यादा दूर आ गए गाइस, वीडियो बनाते बनाते अभी हम लोग बहुत दूर आ गए, और ओ भाई पैदल आए आप लोग, पैदल आ रहे हम लोग घर से, शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं यहाँ पे फुटने वाली है, हाँ अभी यहाँ पे हवा को इतनी तेज चल रही है और ये आंधी वाला मौसम हो रहा है, और ये आप चीज चेक कर सकते हैं और वीडियो का आपका नाम क्या है आपका?
ये रोड है यार, तो कुछ वरना मैं तो कुछ मैंने तो पता नहीं। A few hours later. अभी हमारे को कुछ बंदे मिल गए थे। पहले तो हम उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे से पूछे कि आप लोग कौन हो। हम लोगों ने बताया कि हम लोग ब्लॉगर्स हैं जिसके सिर्फ 55 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन्होंने बोला कि 55 सब्सक्राइबर्स से कौन सा ब्लॉगर होता है। तो हमने बोला भाई हमें अपने पब्लिक पे फुल भरोसा है कि वो लोग हमें 100 सब्सक्राइबर्स तो कर ही देंगी। 100 नहीं, 1K 1K हो जाए यार, 1K चाहिए तो चाहिए। और ये बच्चों का अंकल को कह रहे थे, अंकल बच्चियों के साथ, अंकल के साथ बच्चे हैं तो अंकल फिर भी अंकल को अपनी जवानी के मजे लेने हैं, अंकल को अपनी जवानी के मजे लेने हैं। तो गाइस अभी पीछे का व्यू चेक कर लो, सही है। और हमारे साथ दो और राइडर आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने अपने कार्ड बनाए,
सपोर्ट सब गुड गुड बोल रहे हैं। गाइस हमें सपोर्ट आप लोग नहीं कर रहे हो, गाइस आप लोग हमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो यार। देखो हम अपने हम बड़ा भाई भी जो जिस इलाके से हम लोग आ रहे हैं ना, आप आकर व्यू चेक करो। ओए होल का दिखाए, होल का दिखाने चले। नहीं बैकवर्ड कर, बैकवर्ड कैमरा है, बैकवर्ड कर इसको, छोड़ आगे नहीं जा, बैकवर्ड कैमरा। तो गाइस अभी हम लोग वहां तक इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से उतरने की कोशिश करते हैं तो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, नीचे पत्थर हो सकते हैं हमें लगते हैं। तो अभी हम लोग तो हम लोग दिखा तो नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये हवा कम हुई, मौसम सेट हुआ तो हम लोग आपको ये देखो चले गया व्लॉगर है। तस्वीरें बना रहे हैं यार। चलो कोई नहीं, लग ऐसे रहा था कल आपको कोई गाड़ी की आवाज बड़ी टाइट आ रही होगी, लेकिन आ लोगों को कि वो कोई बड़ी गाड़ी होगी, लेकिन वो गाड़ी कोई और नहीं, अपन ही सब राइडर जमा हो रहे हैं। केक काटना अच्छा, चलो तो फिर
तो गाइस वो देखो तालाब, आप देख रहे हो तालाब भी वहाँ पे, यहाँ पे इतनी ज्यादा अंधेरा हो रहा है और पता नहीं अल्लाह ना करे बारिश हो जाए या ना हो जाए, लेकिन आ जाओ अभी सारे अपनी गाड़ियाँ चमका रहे हैं वहाँ पे रेसिंग के लिए। अबे यार कुछ खाने को दिल कर रहा है यार, जैसे कोई खाने पीने वाले नहीं है। सो गाइस जो आपकी जो सपोर्ट मिली हमें 55 सब्सक्राइबर, तो आज हम लोग अभी अभी हम लोग एक शॉर्ट डालेंगे जो 55 सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेट होगा, तभी हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे। जब तक के लिए मैं कैमरा रोक देता हूँ, हवा थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये मोबाइल भी हिल रहा है, अल्लाह ने कहा मोबाइल अगर नीचे से उड़ के चला गया, तभी हम लोग थोड़ी देर के लिए मैं संभालता हूँ। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हमें एक आइडिया आया कि हम लोग ये कितना रोड पार करो, रोड पार करो यार। अभी अभी हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो भूख के मारे तो अभी हम लोग खाली पेट नहीं रह सकते। अरे वाह यार देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे से मिलने आ रहे हैं, इतनी खुशी है मुझे। अब हमें यहाँ पे डर लग रहा है कहीं वो मिलने मिलाने के चक्कर में ना कहीं हमारे से मोबाइल ना छीन ले। अभी हम लोग आ रहे हैं अजीमपुरा, चलो अभी हम लोग जब तक बिस्किट खरीदने के लिए जा रहे हैं, और ये अभी अजीमपुरा का रोड है, ये अजीमपुरा है ना, अजीमपुरा जाते हैं, वहाँ से हम लोग पहले बिस्किट खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह खा खरीद के फिर हम लोग जाएंगे एक जगह चादर वादर बिछा कर, फिर हम आपको बताएंगे क्या फिर नेक्स्ट क्या है। मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत, तो गाइस यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पर ये अपना क्या नाम है दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो इसलिए जो दुकान छोटा सा केबिन खुला हुआ था हमने उस वजह से भी हमने दो बिस्किट ले लिया। अभी हम लोग पहले तालाब के पास जाएंगे, फिर वहाँ पे हम लोग अपने 55 सब्सक्राइबर सेलिब्रेट करेंगे। इनका जितना काम था कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके अपने घर जा रहे हैं। भाई आप देख रहे हो जमीन पे वो सामने कार के लिए बोला है, वो सामने की कार हाँ भाई अभी छोड़ो यार बूंदाबांदी हो रही है, आप लोग खुद भी देख सकते हो गए, हो सकता है मोबाइल के कैमरे पे आ जाए तो आपको दिख जाएगी, नहीं आए तो किस्मत खराब है। करोला नहीं है वो बिट्स है, हाँ ये बिट्स गाड़ी है हमारे पड़ोसियों के पास है, और जो उसके पीछे है ना वो बस आप छोड़ ही दो, आपके लेने क्यों कहा थी वो, तो ऐसी ये मजदूरी की गाड़ी है, ये मजदूरी की ये बोलो ना ले नहीं सकते, वैसे ले तो मैं भी नहीं सकता हूँ। तो अभी हम लोग तालाब के पास जा रहे हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा 55 हमारे जो सब्सक्राइबर्स थे वो कंप्लीट हो गए, तो इसलिए हम लोग 55 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेट करेंगे, और ये मोटी मोटी बारिश हो रही है, मेरा मतलब है बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है, और ये यार डरा दिया तेरे भाई साहब ने। तो गाइस अभी हम लोग बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हम लोग किसी डरा किया उसका सहारा लेंगे, और आ जाओ जल्दी तालाब के पास आ जाओ, गाइस बारिश हो रही है, और अभी हम लोग यहाँ पर फंस रहे हैं, तो अभी हम लोग किसी जगह पे कोई जगह देखते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक दरख्त का सहारा ले लिया जो छोटा सा है, और यहाँ पे मुजम्मिल भाई और जलील भाई की हालत कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और हम आपको थोड़ा तालाब का किनारा दिखा दे रहे कि बस किनारा किनारा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हरियाली है और इसके अंदर डूबने का भी खतरा हो सकता है, चलिए क्योंकि ये बहुत घेरा है। नहीं यार थोड़ा सा तालाब तो दिखाना चाहिए, बस मैं बस आप मेरे पर भरोसा करो, मोबाइल आपका मेरे पास मोबाइल नहीं है तो ये चेक कर सकते हो आप लोग, हम लोग इतनी ज़्यादा बारिश में ब्लॉग बना रहे हैं लेकिन आप लोग हमें फिर भी सपोर्ट नहीं करो यार, देखो हमें सिर्फ सपोर्ट कर दो, और ये आप देख लो यार यहाँ का व्यू चेक करो बस, ऐसा कोई टाइप व्यू आ रहे हैं ना आप। चलो फिर अभी हम मोबाइल पे शो पर भी चढ़ाना है, तो इसलिए हमें जलील भाई बुला रहे हैं, क्योंकि उनके अगर मोबाइल की रेड लगी तो जलील के बाबा जलील का। अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर फंसे में, और घर में हो सकते हैं लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और इस वक्त बारिश हो रही है, और ये यहाँ पे जलील भाई की हालत ख़राब हो रही है, मुजम्मिल भाई मोबाइल के लिए उसके लिए मोबाइल के लिए शॉपर लेने के लिए गए हैं, ताकि हम लोग आपका व्लॉग भी कंटिन्यू रख सकते हैं और मोबाइल को भी कुछ ना हो, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर फंसे हैं। तो ये मुजम्मिल भाई आ नहीं रहे हैं, कहाँ गए मुजम्मिल? तो भाई देखो
अबे यार आगे नहीं जाएगा वो। देख उसका हमने टेंशन। सो गाइस देखो यार बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं हम लोग आपके लिए, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम लोग देखो आपके लिए, हम लोग घर से बहुत ज्यादा दूर हैं। यहाँ चले आप सब छोड़ो, यहाँ आसपास तो घर भी नहीं है। यार आप लोग यार देखो बस हमें सपोर्ट कर दो किसी तरीके से, हमारे कहे हुए सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर दो। और ये मुजम्मिल वो हैंड फ्री, वो हैंड फ्री का हम हैंड फ्री रखो ना। तो बस देखो आप बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, मोबाइल के कैमरे को बार बार साफ करना पड़ रहा है। और सेलिब्रेशन अभी नहीं हो सकी, सॉरी गाइस, लेकिन हम आपके लिए सेलिब्रेशन करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट शॉट में करेंगे। आज अभी हम लोग उस बड़ी मुश्किल से हम लोग इस जगह तक आ गए हैं। हमारे जूतों की भी हालत, और सामने से पानी आ रहा है सारे रोडों का। तो भाई देखो यार अभी वीडियो हमारी बिल्कुल सही नहीं आ रही, क्योंकि कैमरे में पानी चला गया है हमारे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वहाँ पर रेसिंग लगा रहे थे वो सब लोग की गाड़ियाँ वगैरह सब में पानी चला गया। पता नहीं क्या हुआ कि किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो किसी का कुछ। हमने बहुत सारे लोगों को इस रोड पर परेशान देखा। तो ये देखो आप पीछे से, लोगों ने अपनी छोटी छोटी जगहों पर फसलें उगाई हुई हैं बस पैसे कमाने के लिए। देखो यार पाकिस्तान रिस्क कमाने के लिए ना, पैसे होंगे तो रिस्क आएगा, और हम लोग पैसे कमा के उन्हें रिस्क के लिए। तो देखो वो ये देखो रिक्शे वाला अपने आप लिए बकार है। तो गाइस अभी देखो हम सॉरी एक और बार हम लोग आपसे सॉरी कर रहे हैं, हमने सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि बारिश हो गई थी। बारिश हो रही है जी। तो आज ये देख सकते हो अभी बारिश बिल्कुल आहिस्ता हो गई है, जगह जगह पानी है, देख लें आप बेल वगैरह सब गीली हो गई है, कैमरा भी खराब है। ये देखो पानी लेकिन यहाँ फिर भी कीचड़ बहुत है। दूसरा शूज दिखाओ तुम, हम भी चेक करें ना भाई। इन्होंने सारी ज्यादातर ये मैंने सॉक्स पहने, सॉक्स पानी पी लेते हैं। ये सारी मेहनत ना मैंने और मुजम्मिल की, ये भाई साहब तो बस आहूं खीं कर रहे थे। चलो कोई नहीं गाइस, देखो फिर भी इनकी बहन बहुत है। नहीं मानना पिछले व्लॉग में मैं आपसे बुरा नहीं मानना, लेकिन पिछले व्लॉग में मैं आपसे मिला नहीं था क्योंकि मैं अपने कजन के घर गया हुआ था। और ये मैंने फिर वो व्लॉग देखा अपने वहाँ पे खाला और मामू वगैरह कजनों के मोबाइल से हमने देखा। तो ये भाई साहब कह रहे हैं हम कजन के घर गए हैं मुफ्ता मंडे हैं। उस वक्त मेरा मूड बहुत खुश था तो इसलिए मैंने इनकी खबर नहीं ली, वरना इनसे हम न्यूज़ लेते। इंग्लिश सीखो इंग्लिश। तो अभी हम लोग वीडियो के एंडिंग कर रहे हैं, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़। चलो सारे मिलकर बोलेंगे, ऐसे नहीं वैसे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। 1 2 3 गो, लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करें, सही है। तब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हेलो गाइस, यही है वो सांप जो हमें दिखा था, और ये हम लोगों ने सही तरीके से मार दिया उसको, पत्थर मार मार के हमने उसकी रेड़ लगा दी है। और देख रहे हो आप कितना लंबा सांप है, तकरीबन होगा 4-5 फुट होगा ये, सही है ना।